शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विखंडन की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दफ्तर अजमेर में था और रहेगा। बोर्ड के कामों के साथ समन्वय बनाने के लिए बेशक कुछ जगहों पर समांतर दफ्तर चल रहे हैं, लेकिन उसका बोर्ड के विखंडन से कोई सरोकार नहीं है। अजमेर दौरे पर आए मंत्री कल्ला ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में पूर्ण रूप से स्कूलों को खोलने का कोई विचार नहीं है। सरकार ने कलेक्टर्स को कोरोना की स्थिति के आधार पर निर्णय लेने के लिए कहा हुआ है। स्कूल के शुभारंभ के अवसर पर मैं अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं। इनकी चेन काफ़ी देशों में चल रही थी और अब राजस्थान में एक नई शुरुआत हुई है। मैं चाहता हूं कि ये चेन पूरे राजस्थान में फैले ताकि हमारा प्री प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन का ढांचा मजबूत हो सके और अच्छे विद्यार्थी तैयार हो सकें। आने वाले समय में इस स्कूल के पढ़े हुए विद्यार्थी ऑल इंडिया कंपटीशन में हमारे अच्छे साइंटिस्ट बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे डॉक्टर बने और अजमेर का और प्रदेश का नाम गौरवान्वित करें। मुझे ये बताया गया कि इस स्कूल में केवल मात्र शिक्षा पर ही जोर नहीं दिया जाएगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर जोर दिया जाएगा और इंटरनेशनल लेवल के परफॉर्मर्स, इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन तैयार किए जाएंगे। बहुत खुशी की बात है। मैं समझता हूँ स्कूल का ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा है। मैं